तो गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप सो बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आज का टॉपिक है पैसा, मनी। पैसा यार सभी को नीड होता है, बट यार अपने को बहुत ही रेयरली इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत होती है। सभी को होती है, आपको इमरजेंसी पड़ेगा ही कभी ना कभी। तो वैसे में यार आप क्या करोगे ना, घर वालों से मांग सकते हो ना, आप जो है भाई से ले सकते हो ना, अपने फ्रेंड से ले सकते हो। अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए लाइक 1,000 2,000 तो कोई दे भी सकता है, बट अगर आपको 5 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 80,000 रुपये चाहिए, 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, आपके पर्सनल यूज़ के लिए, फ़ोन लेने के लिए, या फिर कुछ भी हो सकता है इमरजेंसी केस में, ठीक है। तो वो वैसे में आप क्या करोगे? आप घर वालों से नहीं मांग सकते क्योंकि घर वालों की स्थिति ठीक नहीं है, आप फ्रेंड से नहीं मांग सकते इतने पैसे। तो यार वैसे में एक एप्लीकेशन में बताऊंगा इस वीडियो में, जिसमें कि आपको 5 लाख रुपए तक लोन प्रोवाइड कराते हैं और आप उसको बाद में ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हो। लाइक आप 5 लाख लेते हो तो 4-5 हज़ार रुपये महीने करवा लो और पैसे आप जो है धीरे धीरे उनका पूरा कर दो। तो वो चीज़ बेटर होता है, आपको जो है नीड भी पूरा हो जाएगा और आपको जो है पैसे भी इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़े तो वो आपका काम भी हो जाएगा। और हमारे जैसे स्टूडेंट को तो यार कोई देता भी नहीं है, सीधी बात। आप जैसे बोलोगे कि आप तो भाई कैसे हम मिलेंगे, क्या बहुत सारे एप्लीकेशन होगा, क्रेडिट भी, ये सब सारे एप्लीकेशन तो स्टूडेंट को नहीं देते अधिकतर एप्लीकेशन। बट ये एप्लीकेशन स्टूडेंट हो, आप कुछ भी हो, ठीक है, आपको ये आप पैसे प्रोवाइड कराएंगे आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर, सीधी बात है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। तो अगर आप जो है लोन अमाउंट लेना चाहते हो या फिर इस टाइप के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो मेक श्योर मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस टाइप के वीडियो लाते रहता हूँ। और आगे वीडियो में बताऊँगा पूरा प्रोसेस कि कैसे आपको करना है और वो जो है लोन आप कैसे ले सकते हो और आपको उसको कैसे पे करना है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी। उस एप्लीकेशन का नाम है वॉलनट और ये जो है अभी फ़िलहाल मेजर जो जितने भी सिटीज़ हैं इंडिया के उसमें अवेलेबल है और अभी जितने भी स्टेट है आने वाले स्टेट में अवेलेबल हो जाए मे बी, बट मेन में जो सिटीज़ है लाइक दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, आपका लखनऊ हो गया, आप चेक कर सकते हो। ऐसे इनका 21 कुछ सिटीज़ प्लस में इनका जो है ये लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, बट आप एक बार ही चेकआउट जरूर कर लेना अपना। अगर आपको दे दें तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, आपका काम हो जाए। तो वॉलनट यहाँ पर सर्च करने का सिंपल ये जो है आ जाएगा आपको एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अपडेट का भी ऑप्शन आ रहा है तो मैं अपडेट बाद में करूँगा, ठीक है। तो ये इनका मेल वगैरह है, अगर आपको हेल्प चाहिए। बहुत सारे लोग इनका वेबसाइट का इनके कॉन्टैक्ट नंबर पूछते तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, बस मेल है, तो ये मेल आप जो है इनको ले सकते हो। और ये जो है इनका एड्रेस है पुणे का है। तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है मेरे को यार। तो ये एप्लीकेशन की पहले मैं स्टोरी बता दूँ, तो ये एप्लीकेशन बहुत पहले आया हुआ था और ये जो करता क्या था कि जितने भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके सारा का सारा यूजर दिखाते थे और जो बैलेंस वगैरह आपके बैंक से अटैच रहते थे तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप जो दिख जाते थे, दिख जाएंगे इसमें। बट इन्होंने करीब 6 महीने या 7 महीने पहले एक वॉलेट प्राइम करके इन्होंने फीचर लॉन्च करा जिसमें कि वो लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो वो लोन मेरे को मिला यार, क्योंकि मैंने बहुत दिन से एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा था, तो डैट्स वाई वो मेरे को शुरू बारी ही जैसे इन्होंने लॉन्च करा तो फर्स्ट बारी में मेरे को ये 80,000 रुपये इन्होंने लोन प्रोवाइड करा, ठीक है। तो ये तो एप्लीकेशन हो गया। तो आपको इंस्टॉल करना होगा, इंस्टॉल करोगे जैसे ही तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, बाकी आपको साइनअप वगैरह का प्रोसेस आएगा, नंबर वगैरह तो आप जो है फुल फिल ज़रूर कर दें, ठीक है, इस तरह का आएगा। तो बाकी आप देख सकते हो यूजेस के हिसाब से यहाँ पे बैलेंस चेक बताते हैं अकाउंट्स के जितने भी है, पेटीएम हो गए, आपके जितने भी बैंक्स के अकाउंट आपके नंबर से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर सारा का सारा बैलेंस आपको दिखा जाएगा। क्रेडिट कार्ड्स क्या है, आपके क्रेडिट कार्ड्स के सारे बैलेंस दिखा जाएंगे। आपके टैक्स है तो आप यूजेस के हिसाब से देख सकते हो कि मेरा कौन कौन से यहाँ पर पैसे वेस्ट जा रहे हैं, कहाँ से मैं स्पेंड कर रहा हूँ, कितना बैलेंस बचा हुआ है, किस पर मेरे को खर्च कम करना, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड्स आप देख सकते हो कि आपने कितने पैसे कहाँ पे खर्च करा। तो वो चीज़ आपको जो है यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो अपने खर्चे को। तो एक चीज़ तो ये बेनिफिट हो गया। अब दूसरा चीज़ हो गया प्राइम। तो यहाँ पे वॉलेट प्राइम का ऑप्शन आपको दिख जाएगा और यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइम इज़ एक्टिव इंस्टेंट कैसेटी और फिंगरप्रिंट। तो मैंने यहाँ पे 39,000 पहले ही विड्रॉल कर रखा है इनसे, ठीक है, और ये भी आगे बताऊँगा कैसे विड्रॉल। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जब वो फर्स्ट टाइम ओपन करोगे। तो यहाँ पर आपको जो है आधार और पैन आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, अगर मेरे को याद ना हो तो सॉरी फॉर डैट, लेकिन पैन कार्ड आपको मैंडेटरी होगा कि आपको यहाँ पर फिल करना होगा तभी ये एलिजिबल दिखाएंगे। तो कुछ कुछ में ये ऑप्शन होता है कि उन्होंने डाल रखा है तो उनको दिखाता है कि आप वेट करो, आप यूज़ करो एप्लीकेशन को, आप 7 डेज का टाइम लेते हैं कि 7 डेज़ के बाद आपको दिखेगा, उसके बाद भी ऑप्शन नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करा, क्योंकि वो सिविल के हिसाब से नहीं देते, ये सिर्फ आपको देते हैं बैंक के अकाउंट पे कि आपके बैंक अकाउंट के हिसाब से आप महीने कितने खर्च कर रहे हो, कितने पे कर रहे हो, ठीक है, कितने पैसे आ रहे हैं, तो वो सारा का सारा इनके रिकॉर्ड्स होता है। तो वो रिकॉर्ड के बेसिस पे ये जो है यहाँ पे आपको पैसे प्रोवाइड कराते हैं।
तो मैंने तो भैया बहुत दिन से इंस्टॉल करा था, तो मेरे को मिल गया और बहुत सारे लोगों को मिल भी रहा है, 7 दिन के अंदर मिल जाते हैं, बट बहुत सारे लोगों को नहीं। तो आप जो है वेट करो, पेशेंस रखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, ट्रांजेक्शन करो, तो इनके यहाँ पर जो है आपको स्कोर अच्छा मिलेगा और आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। और एलिजिबल हो गए तो यार ये इन पर डिपेंड करता है कि वो कितने पैसे देंगे। लाइक 5 लाख तो इनका लिमिट है, बट 5 लाख कोई नहीं देता सीधी बात, 1 लाख 2 लाख तक ये दे सकते हैं सीधी बात। 80 हज़ार यार मेरे को दे दिया, मेरे को कोई, मेरा सिविल स्कोर भी नहीं अच्छा है, ना मैंने किसी से लोन लिया था पहले, बट मेरे को 80 हज़ार रुपये मिले हैं, 80 हज़ार मिले हैं सीधी बात है, बिना किसी क्रेडिट स्कोर के। तो सोच सकते हो कि और भी बंदे जो अच्छे अच्छे सिविल वाले हैं, तो या फिर उनके पास जितने बहुत सारे पैसे हैं, तो आप जो है उनसे अच्छे अकाउंट में अगर अच्छे पैसे हो तो यहाँ पर आपकी लिमिट बढ़ सकती है। तो एक चीज़ तो हो गया। तो वर्ल्डनेट प्राइम का एक्टिव करने के लिए आपको 7 डेज़ का टाइम वो देते हैं, तो 7 डेज़ के बाद अगर एक्टिव ना हो तो आप जो है यूजेज करो। उसके बाद अगर एक्टिव हो जाए तो उसके बाद एक आप इनके तरफ से एक बंदा आता है KYC के लिए, एक फॉर्म आएगा, आपको जो है फॉर्म को साइन करना होगा। उसके बाद 3 या 4 दिन के बाद आपका एक्टिव हो जाएगा वर्ल्डनेट प्राइम, तो कुछ इस तरह का दिखाएगा। बट मेरा ब्लॉक हो चुका है क्योंकि मैंने यार यहाँ से लोन ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिखेगा, राइट साइड का ऑप्शन में दिखाओगे तो वॉलेट प्राइम यहाँ पे खुल जाएगा। तो मेरा 70 हज़ार रुपये यहाँ पे मैंने दे रखा है और इंटरेस्ट ये 2% लेते हैं, 2% पर मंथ लेते हैं यहाँ पे। और आप 3 महीने से लेकर 18 मंथ तक ये EMI आप ले सकते हो किसी भी वैल्यू अमाउंट का। जैसे आपने 80 हज़ार भी ले लिया, निकाल लिया, तो आपको 18 मंथ का EMI मिलेगा, नॉट फॉर लाइक बी 22 क्या बोलते हैं उसको 22 महीने तक 23 महीने तक, बस 3 से 18 मंथ तक है। और इनका इंटरेस्ट 2% है मिनिमम, बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा चीज़ लगा यार, इंटरेस्ट ये बिल्कुल कम ले रहे हैं। कोई भी कंपेयर कर लो जितने भी एप्लीकेशन है उनसे बहुत ज़्यादा ये कम ले रहे हैं। प्रोसेसिंग फ़ी कुछ भी नहीं है सीधी बात, ना प्रोसेसिंग फ़ी है ना कुछ आपको यहाँ पर मिलना है, आपको चार्ज लगता है। जितने भी अमाउंट है सीधे बैंक अकाउंट में आपको आएगा, बस आपको ऐसे सिंपल सा बैंक अकाउंट वगैरह यहाँ पर सेटअप कर देना पूरी तरह, ठीक है भाई। तो ऑनलाइन प्राइम यहाँ पर दिख जाएगा और EMI कैलकुलेटर भी, और योर विड्रॉल देख सकते हो। यहाँ पे मैंने वो 2 विड्रॉल ले रखा है, एक 15 हज़ार का, एक 16 हज़ार का। तो यहाँ पे मैं दोनों का EMI भरता हूँ और यहाँ पे मैं हर महीने भरता हूँ, ठीक है। तो आप जो है EMI सेट कर लो, कितने पैसे आपको निकालना है। अगर लाइक आप 80 हज़ार रुपये लिए तो आपको EMI वहाँ पर दिख जाएगा, आप जैसे ही यहाँ पर EMI कैलकुलेटर पर करोगे और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं लगता। और आपको महीने के जो भी डेट ये देते हैं उस महीने में ऑटो विड्रॉल जो भी आपने बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है उससे पैसे आपके कट जाएंगे, बस आपको पैसे रखने होंगे। अगर आपने पैसे नहीं रखे हैं तो अभी उस सिचुएशन में क्या करो, तो देख सकते हो यहाँ पे 5 जुलाई ख़त्म हो चुका है। 5 जुलाई को ही मेरा यहाँ पे कटने वाला था पैसा, बट मैंने यहाँ पे मेरे पास पैसा अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पे अभी कटवाया नहीं, बट मैं नेक्स्ट मंथ में दे दूँगा डबल पैसे। तो यहाँ पे मेरे को चार्ज देना पड़ेगा कुछ 750 रुपये का, एक जो यहाँ पे ये पैसे कट रहे हैं, तो एक विड्रॉल का मेरे को 750 रुपये देने पड़ेंगे और एक दूसरे विड्रॉल पे भी 750 रुपये। बट मैं यहाँ पे जो इनके कस्टमर केयर में मैं बात कर लूँगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो मेरे को यार हेल्प कर दो, तो थोड़ा अगर ये करें तो वो भी कम हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप ट्राई ज़रूर करना अगर आपका विड्रॉल नहीं हो। और एक चीज़ यार, पैसे दे दिया करो यार, पैसे बिल्कुल मत रखा करो, कोई भी बंदा हो। अगर ये इनका स्टार्टअप है तो यार कंपनी ऐसे नहीं चलती, आपको बंदा ट्रस्ट करके दे रहा है बिना किसी कोई भी आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, पुणे की कंपनी है और आप जो है कहीं से भी हो और आपको बिलोंग करते हैं, ये पैसे प्रोवाइड करा रहे हैं भाई बिना किसी कोई आपको जाने पहचान भी नहीं हो। क्योंकि बैंक में जाओगे तो आपके चप्पल खींच जाएंगे फिर भी पैसे नहीं मिलते, बट ये जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है तो आपको फ़र्ज बनता है कि आपको पैसे इनको दे देने चाहिए। क्योंकि ज़रूरत के टाइम इन्हीं ने, ये वाला वॉलेट प्राइम ने मेरे को हेल्प करा था, ठीक है, मेरा फ़ोन लेने के लिए, मेरा लैपटॉप लेने के लिए। और अगर आप इसके पैसे नहीं देते तो ये बहुत गलत बात है भाई। तो बट अभी मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, तो मैं नेक्स्ट मंथ में दे दूँगा। अगर 750 चार्ज भी लगे तो मैं पे कर दूंगा, उसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जो है ज़रूर पे करें पैसे। तो सीधी बात है, यहाँ पे मैंने सिंपल सा प्रोसेस बता दिया। वॉलेट इंस्टॉल करना है, वहाँ पे पैन कार्ड डालना है। अगर आपका 7 डेज़ का टाइम दिखता है वहाँ पे, तो 7 डेज़ के बाद आपको वॉलेट प्राइम यहाँ पर एक्टिव दिखेगा, एक बंदा आएगा आपका जो है KYC ली जाएगा, उसके बाद वॉलेट प्राइम हो जाएगा। यहाँ पर आपको पैसे दिखा जाएंगे कि आपको इतना का लिमिट मिला, आप उस लिमिट में एक बारी में निकाल लो या फिर एक बारी में निकाल लो, नहीं तो 2 बारी में निकालोगे तो आप जो है 2 बारी का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे 2 विड्रॉल करोगे तो बाकी जितने भी पैसे वो लॉक हो जाएंगे, आपको वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये बात याद रखना, अगर आपको 1 लाख रुपए मिले तो आपने 50 35 35 या 45 45 करके 3 बारी मत निकालना, क्योंकि पैसे फंस जाएंगे। एक ही बार में जो भी निकालना पैसा निकाल लेना,
अदरवाइज इनका दो विड्रॉल है। अगर आप 80,000 रुपये आपको मिले तो आप जो है 20-20 हज़ार करके दो ही बार निकाल लो तो आपका जो बाकी पैसा लॉक हो जाएगा। अगर आपने 80,000 एक ही बार में निकाल लिया या फिर 40-40 करके दो बार में निकाल लिया तो आपको यहाँ पर पूरा अमाउंट मिल जाएगा, बट आप दो बार ही यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हो जो कि मैंने बता दिया। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप अपने सिटी के हिसाब से देख लो, अगर आपके सिटी में अवेलेबल है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और आप जो है जितना भी पैसा लिया है वहाँ पे आपको EMI कैलकुलेटर वहाँ पे दिख जाएगा, कितने महीने के लिए ले रहे हैं, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, आप कितने पैसे आपको हर महीने पे करने होंगे। और उनका डेट होता है वो ऑर्डर विड्रॉल हो जाएंगे यहाँ पर आपके अकाउंट, यहाँ पर जो सेटअप करा होगा यहाँ पर नीचे पर सब सेटअप कर देना अकाउंट वगैरह, तो वहाँ से आपके ऑर्डर विड्रॉल यहाँ पर पैसे कट जाएंगे। कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है, पैसे वैसे नहीं कटते सीधे बैंक अकाउंट में। अगर 80,000 मिले, 80,000 आपके अकाउंट में चले जाएंगे, एक रुपये भी नहीं कटेंगे, बट आप EMI फिल कर दो तो बहुत अच्छा मेरे को ये एप्लीकेशन लगा। और आगे मे भी और भी अपग्रेड करें तो होप फॉर बेस्ट, और इनके लिए तो और अच्छा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को मेरा फ़ोन आता है कि भाई इनका ईमेल सपोर्ट क्या है, इनका कॉल तो कॉल वगैरह तो यहाँ पर इन्होंने नहीं दे रखा। तो अगर आप वॉलेट वाले कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ यार अपना नंबर प्रोवाइड करा दो अपने ऐप में, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे भी मेल से आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ईमेल यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पे मेल कर सकते हो अपने मेल के थ्रू कि क्या है उनका। और अबाउट वॉलेट और बाकी जो चीज़ है तो आपको पता ही होगा, बाकी चीज़ मैं दिखा नहीं सकता है, सिंपल सा चीज़ है, दिखाने लायक है नहीं कुछ, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा 5 अगस्त को मैंने पे कर दिया भाई, जुलाई का मैंने अभी पे नहीं करा, तो जुलाई का मैं यहाँ पे पे कर दूँगा, ठीक है, सीधी बात। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर कोई भी अभी क्वेरीज बच गई हो तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है या फिर व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, और चैनल को जो सब्सक्राइब करिए।